हाँ यार, मैं हूँ एकान। आप देख रहे हैं एनएस गुड फन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस गुड फन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हैं कि एक बकरी है और ये बीमार है, कुछ खा पी बहुत कम खा पी रही है और दो बच्चा दी है और दूध इसको बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे घर के बाजू में है मेरे दोस्त हैं, तो कल मुझे बताया गया तो मैं सोचा कि इसका इलाज किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिवार्मिंग करने जा रहे हैं। डिवार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अल्बोमार है, ये बहुत ही बेहतरीन पेट के कीड़े मारने में काम आती है। डिवार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि बकरियों के शरीर में बहुत ही ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, जिसके कारण जो भी खाती पीती हैं बहुत कम लगता है, क्योंकि बकरियों के अंदर जो भी पोषक तत्व रहता है लगभग 80 से 85% वो कीड़े खा जाते हैं। तो उनका ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाता है। जब ग्रोथ कम हो जाएगा खाना पीना छोड़ देगी, और जब खाना पीना ही छोड़ देगी तो दूध बिल्कुल नहीं होगा, और जब दूध नहीं होगा तो उसके बच्चे भी एकदम कुपोषित का शिकार हो जाएंगे। देखिए दो बच्चे हैं लेकिन बिल्कुल एकदम, देखिए एकदम कुपोषित के शिकार हो गए हैं क्योंकि उनको दूध नहीं मिल पा रहा, और कम से कम 1.5-2 महीना दूध बच्चे को चाहिए ही चाहिए। तो आज हम लोग इसका डिवार्मिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर लीवर टॉनिक चलाएंगे, फिर एक वीडियो बना के आप लोगों के बीच में डालेंगे। तो डिवार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा रोल हो जाता है जानवर पशुपालक में। अगर आप अच्छे तरीके से पशुपालक करना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाह रहे हैं, या दो चार भी बकरी कोई रख रहा है, तो उसके लिए डिवार्मिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं अक्सर वीडियो बीमारी पर बनाते रहता हूँ। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बीमारी से संबंधित तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए रहेंगे।